स्वागत है दोस्तों आपका नए ब्लॉग में। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और मेरी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा कि हमारे चैनल की एडवर्टाइजमेंट्स वापस आ चुकी है। दोस्तों नॉर्मल बिहेवियर हो चुका है, हालांकि अभी थोड़ा सा नॉर्मल के पास ही है पर बेहतर हो चुका है भाई। पहले कुछ भी एड्स नहीं दिखते थे, अभी थोड़े तो एड्स दिखने लग गए। अच्छा फील हो रहा है मुझे, फीलिंग वेरी हैप्पी। तो भाई देखो घर में क्या हो रहा है। आज सुबह सुबह मस्त साफ सफाई चल रही है इन लोगों की, मतलब पिछले 3 दिनों से साफ सफाई ही चल रही है। पहले तो इन्होंने सब हमारे जो कपड़े वगैरह है वो धोए, फिर इन्होंने कल घर की वो अंदर की साफ सफाई की, हॉल वगैरह साफ कर रहे हैं। मतलब पायल और श्रुति ने पूरा डिसाइड कर लिया है, घर को एकदम चिपका देंगे ये लोग। पायल बोलती है किसने सिस्टम निकाला घर साफ करने का दिवाली के टाइम पे, पता नहीं। हाँ घर साफ ही होता है पर ज्यादा साफ करना पड़ता है अंदर घुस घुस के। वैष्णव तुम्हारा क्या चल रहा है, सब बढ़िया? वेर इज रिवा? तुम अकेली मत आया करो, ठीक है? वैष्णव नहीं आए तो चलेगा रिवा के साथ, पर वैष्णव आए और रिवा ना आए ऐसा नहीं चल सकता, ठीक है? रिवा धोपे लेगा। अभी 11-12 बजे तक राह देखनी पड़ेगी उसकी। एंड लुक एट दिस गाइज, क्या बनाए आज घर पे, वाओ गाढ़ा गाढ़ा दही, बिल्कुल मामी जी के घर पे बना था वैसे। वाओ क्या सुगंध आ रही है भाई इसमें से, वाओ। और इसके साथ हम खाएंगे राइस। दोस्तों मैं काफी एक्साइटेड हूँ आज दही खाने के लिए और राइस खाने के लिए। ऐसा ही चाहिए था ना? हाँ यस बिल्कुल ऐसा ही चाहिए था मुझे। देख लो रश्मि, हमारे घर पे भी दही बन चुका है एकदम बढ़िया वाला। लेट्स गो गाइस, क्या क्या है देखो आज खाने में, मस्त मजा आ जाएगा भाई आज। लुक एट माय डेस्क गाइस, क्या हालत हो चुकी है इसकी, सारे भसड़ मचे हुए भाई। मेरा लैपटॉप का इशू कीबोर्ड का था, तो मैंने दो दो कीबोर्ड ला के रखे थे फिर भी उससे चल नहीं रहा था। तो अब ये कीबोर्ड्स मुझे रिटर्न करने हैं, एक संतोष का है, एक हमारे गांव में हमारा दोस्त है उसका है। तो दो दो कीबोर्ड लाए थे मैंने, दोनों के वापस कर रहा हूँ। चलो भाई मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। चलो भाई सेंटोस का कीबोर्ड दे दिया है, अभी गांव में जाके एक देना है, निकलने वाला था पर मैंने सोचा चलो घर देख के जाते, बाद में आना होता नहीं होता। फर्श बिठाने का काम चल रहा है अभी। मस्त हो गया अभी फर्श बिठा के मैं। संतोष के घर पे आने के बाद है ना भाई, पहला तो सीन ये ही दिखता है, इतने सारे पेड़ पौधे लगा के रखे, इतने सारे। ये देखो वाटर लीली, नहीं ये वो लोटस है, लोटस? ये लोटस है, ये वाटर लीली, ये वाटर लीली है, ये वाला भी वाटर लीली। देखो भाई ये देखो, ये तो माशी के संतोष के घर पे मतलब गार्डनिंग वाला लोटस है, नर्सरी खोल के रखी पूरी। ये वाटर लीली है, ये क्या है, इसको कट क्यों हुआ है? कट नहीं हुआ है, वो जो पौधे छोटे छोटे, अच्छा हाँ। बड़े होंगे अभी, हाँ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा वो। हाँ ये देखो भाई क्या सुंदर है ये लोट। ये देखो भाई संतोष ने मछली अभी पाल के रखी, वाओ। ये देखो भाई अभी मैंने ये पेड़ ले लिया है संतोष, ऐसा बनाएंगे हम। वो वाला भी लेके जा चाहिए तो, कौन सा वाला? अरे हाँ वो भी तो सही है, दे। हर बार 2-3 नए पेड़ लेके जाता हूँ मैं इधर से। जब टीवी बंद होता है, टीवी जब बंद होता है ना तो मम्मी यहाँ पे देखती है, और जब टीवी चालू होता है ना मम्मी हमें टीवी देखने देती है, टीवी पे देखती रहती है सीरियल। टीवी चालू करने के लिए मम्मी ने बोला है मत करो चालू। दिखाओ क्या है, श्री कृष्ण भगवान का फोटो हमारे रूम में, ले लेते हैं ना। अटक लिया टकलू मामा, अटकलू डब्बू आला रे, डब्बू टकलू शकल। वाह तुझे ये खाना है, रेड वाला खाएगी या हरी वाली खाएगी, कौन सी खानी? कौन सी भी है? ठीक है ठीक है, नको रे नको नको, ए बाबा तिला काय लेकर ताज संध्या करला, अरे तिला तिला थांब लिंबू खाऊ आकर।
मामा काही करतो उद्योग नको रे खोकलाही केला ना हे बघ असं खायचं कसरी बघ टेस्टी नको रे टकलू टकलू इकडे बघ रिवा का हमने नया नाम रख दिया है टकलू टकले टकलू शाका कौन है रिवा टकलू लिंबू खाना का नींबू खाएगा भैया फैन ऐसा आवाज करने लगा हमें लगा कौन आ गया भाई रूम में हमें लगा कोई प्राणी घुस गया हमारे रूम में अरे सुनील ने भी फैन धोया है ना सुनील ने फैन साफ किया ना तब से आवाज करने लगे भाई ये देखो ये रिवा को हमारे घर के सारे डब्बे डुब्बे पता चल गए किसमें क्या खाने की चीज है हाँ खाना खाने के लोग इसको ये पसंद आते है मुरमुरा नींबू देऊ का ये देखो भाई गॉसिप्स क्या कर रहे हो तुम लोग एंजॉय ए रेवड़ी रेवड़ा क्या कर रहे हो रेवा ये देखो ये सब्जियां लेके कहाँ जा रहे पायल किसको दे रहे हो सब्जियां टकलू टकले आ पायल कैसी है सब्जियां एक्स्ट्रा हो गई क्या हमारे पास हाँ। मार्केट में जाके बेच सकते हैं हम नहीं नहीं इतनी भी नहीं है थोड़ी है बट जो हमें देते हैं उनको तो देनी चाहिए ना हाँ उनके घर से हमें अलग सब्जी आती हाँ, तो रिटर्न गिफ्ट हाँ, उनके घर ये नहीं है तो ये देनी चाहिए मम्मी किधर है मम्मी नहीं है घर पे नहीं, हार्ड वर्किंग बॉय सोना टाइम पास छुट्टी ले ली अभी वॉकिंग के लिए जा रहा हूँ सोना में आएगा मेरे पीछे देख सकते हो दोस्तों कितना प्यारा सनसेट हो रहा है वाओ व्हाट अ डे और भाई आज अपना काम भी स्टार्ट हो चुका है तो मेरा जो 3-4 दिन से पेंडिंग काम था तो मैंने फाइनली उसको निपटा दिया है मुझे एक चीज़ तो समझ में आ गई भाई अगर मुझे काम करना होता है तो मैं बहुत फटाफट काम कर लेता हूँ अगर मुझे टाइम पास करना होता है तो मैं बहुत टाइम पास करता हूँ तो ये मेरे ऊपर है भाई अगर फोकस से भाई बैठा ना मैं काम करने के लिए तो बहुत फटाफट काम होता है पर अगर मैंने फोकस नहीं किया तो फिर तो भाई लग गए लाइफ के कितना भी मतलब कुछ भी टाइम पास करता रहता हूँ मोबाइल बाजू में रखा और फिर एकदम फोकस होके काम किया ना तो जल्दी जल्दी होता है नहीं तो फिर तो टाइम पास ही होता रहता है फिर तो मैं भी मैंने जस्ट मेरा काम फिनिश कर दिया थोड़ा देर वॉकिंग करूँगा फिर से जाऊँगा फिर से बचा हुआ फिनिश करूँगा भाई दिवाली की छुट्टी आ रही है अपने को कोई ड्रामा नहीं चाहिए बीच में अपना काम रह गया तो फिर मुझे मेरी छुट्टियाँ कैंसिल करनी पड़े ऐसा मैं नहीं चाहूँगा तो मैं इसलिए फटाफट काम कर रहा हूँ ठीक है ये देखो भाई आज क्या बना है खाने में डांगर की सब्जी बनी है डांगर और मुझे इसका पराठा खाना है डांगर चपाती में जाएगा इसका एक पराठा बना दो भाई मेरे लिए जल्दी बहुत भूख लगी है गुब्बिया हेलमेट चाहिए क्या गुब्बिया टकले गुब्बिया ये लो हेलमेट लो यो चलो भाई दूध लेके आते हैं थोड़ा पानी तुम काट भरा ये देखो भाई कौन आ गया घर में जादू जादू सुनील ने नया जैकेट लाया पहला बोला मम्मी तुम ट्राई करो और भैया हमारे घर में लाइट्स काफी कम है क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा लोड शेडिंग चल रहा है तो इसके वजह से लो वोल्टेज लाइट रहता है हमारे घर पे मस्त दिख रहा है मम्मी तुमको गुब्बे दिखते गुब्बे बाय बाय रिवा रिवा बाय बाय टकले हैं दोन मिनट
लूडो टाइम दोस्तों, घर में लाइट की कमी है यार, वीडियो बहुत ब्लैक ब्लैक आ रहा है, बजा मत ना। तीन अब मम्मी का तो सिर्फ रिवा के साथ। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग, जरा कमेंट करके बताना भाई लोग। तुम है ना कमेंट किया करो, लाइक भी किया करो यार, लाइक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग भूल जाते हैं वीडियो को लाइक करना, लाइक किया करो भाई प्लीज। दिया कुछ कमेंट्स को भी रिप्लाई करने वाला हूँ हर एक के, तो कमेंट्स भी किया करो ठीक है। तो आई होप आपको हमारे ब्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। अभी दिवाली आने वाली है तो हम वेरी एक्साइटेड, देखते क्या कुछ होता है इस दिवाली, घूमेंगे फिरेंगे, हमारे रिश्तेदारों से मिलेंगे। ओ भाई चिपकली, डर गई क्या? ओ भाई डरा दिया चिपकली ने, इतनी चिपकलियाँ हो गई ना यार, बोर हो जाते हैं वो चिपकलियों को, कहीं से भी टपक जाती है। सुबह तो इधर से टपकी, वो फोटो रखा है ना श्री कृष्ण भगवान का, वहाँ से टपकी नीचे। भाई कैसा हो रहा है ये हमारे घर में चिपकलियों का, खतरनाक सीन हो रहा है। तो चलो भाई देखते हैं चिपकलियों का क्या सीन है, और आप लोग बने रहना चैनल पे, मिलता है कुछ अमेजिंग कंटेंट के साथ। ये देखो फिर से, देखो यहाँ पे देखिए चिपकली, आराम सादी बिल्कुल सनलाइट में गई नहीं, गोरी गोरी हो गई है, नहीं तो बाकी सारी चिपकलियाँ काली काली है हमारे घर में। सनस्क्रीन लगाती है क्या भाई, चुप चुप के हमारे उठा के। चलो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक लाइक सब्सक्राइब, बाय बाय। स्वागत है दोस्तों आपका नए ब्लॉग में, आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे अपने लाइफ में। और मेरा आवाज़ देखो कितना बड़ा हो चुका है, इसका एक रीज़न है कि हमारा चैनल पे एड्स दिख चाय ले कुत्रे चाय।